नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube व्लॉग में। तो आज का रिव्यू वीडियो होने वाला है ऑन दिस ऑल न्यू टाटा हैरियर XZA ऑटोमेटिक। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 168 BHP एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क। गाड़ी में कुछ ऐसी कीस मिलती है विथ लॉक एंड अनलॉक बटन, बूट ओपन बटन एंड फॉलो मी होम बटन। फॉलो मी होम बटन से आप रात के समय अपनी गाड़ी किसी बड़ी पार्किंग में पार्क की है और मिल नहीं रही है, सिंपली इस बटन को प्रेस कर देना, आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएंगे और जहाँ पर भी आपको लाइट्स दिखे वहाँ आपको उसको आप फॉलो करके अपनी गाड़ी फाइंड आउट कर सकते हैं। गाड़ी है रॉयल ब्लू कलर में, बहुत ही बेहतरीन दिखती है। गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स है, लग्जरी फीचर्स जो वीडियो में आपको एंड तक सब पता लगेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाड़ी के कॉस्मेटिक्स की बात करें तो सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा की बैजिंग मिलती है विथ दी ब्लैक ग्लॉसी फिनिश ग्रिल। यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर्स ब्लिंक हो रहे हैं इसमें आपको DRS भी मिलते हैं जो साइमल्टेनियसली काम करते हैं, टर्न इंडिकेटर कम DRS। नीचे आपकी हेडलाइट असेंबली है विथ दी लो बीम प्रोजेक्ट हेडलाइट्स, LED प्रोजेक्ट हेडलाइट्स है, कुछ ऐसे दिखते हैं जब ऑन होते हैं तो। और यहाँ पर आपको हायर बीम हेलोजन हेडलाइट्स मिलते हैं, हेलोजन फोग लैंप्स मिलते हैं। तो ये जो पूरी असेंबली है वो हेलोजन कम LED प्रोजेक्ट हेडलाइट्स की है। यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लॉसी डिज़ाइन मिलती है कुछ ऐसी। दूसरे वेरिएंट्स में आपको यहाँ पर क्रोम डिज़ाइन भी मिलती है, अगेन यहाँ पर भी आपको क्रोम देखने को मिलता है लेकिन इसमें आपको यहाँ पर ब्लैक ग्लॉसी फिनिश मिलता है कुछ ऐसा एल शेप में। यहाँ पर नंबर प्लेट एरिया है, अगेन यहाँ पर आपको ग्रे ग्लॉसी फिनिश में कुछ ऐसे क्लैडिंग मिलती है। यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल, अगेन इस साइड की लाइट असेंबली कुछ ऐसी है, अगेन यहाँ पर भी आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश है। यहाँ पर भी आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश मिलता है कुछ ऐसे कंटिन्यू होके, यहाँ पर पूरा है अगेन इस साइड तक यहाँ पर आता है। टॉप फ्रंट की बात करें तो ड्यूअल ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, उसका सेंसर कुछ यहाँ पर है। अगेन इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है विथ शार्क फिन एंटीना जो रियर टॉप पे है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं 17 इंचेस के और टायर प्रोफाइल है 235/65R17। फ्रंट में आपको मिलते हैं वेंटिलेटेड डिस्प्लेक्स, एलॉयस में आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन मिलते हैं विद टाटा बैजिंग इन दी सेंटर, प्रॉपर बैजिंग है। अपोलो के टायर्स है। फ्रंट में आपको मिलते हैं मैकफर्सन स्टर सस्पेंशन विद दी कॉयल स्प्रिंग्स। पूरी बॉडी पे आपको कुछ ऐसी ब्लैक मैट फिनिश में क्लाइडिंग देखने को मिलती है। अगेन रनिंग बोर्ड जो है वो अटैच्ड है डोर के साथ, क्योंकि इसमें कुछ अलग से रनिंग बोर्ड नहीं दिया गया है। जैसे आप डोर ओपन करोगे लाइक आई शो यू लाइक दिस, तो इसका जो रनिंग बोर्ड है वो हिडन है कुछ ऐसे नीचे, जो डोर है वो लाइक मतलब पूरा कवर करता है रनिंग बोर्ड को। इसको मैं बंद करके दिखाता हूँ, ये देखिए लाइक यहाँ पर रनिंग बोर्ड जो है वो हिडन है। ओके, यहाँ पर भी आपको ब्लैक मैट फिनिश में कुछ ऐसी क्लाइडिंग देखने को मिलती है। ORVMs की बात करें तो पूरा जो ORVM है वो आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में मिलता है विथ इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल कम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लाइक दिस। लॉक करोगे तो फोल्ड हो जाएगा, अनलॉक करोगे तो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएगा। टर्न इंडिकेटर LED है। ए पिलर आपको बॉडी कलर में मिलता है कुछ ऐसी क्रोम डिज़ाइन जो यहाँ से कंटिन्यू होके यहाँ तक आती है। यहाँ पर आपको क्रोम में हेरियर की बैजिंग मिलती है। अगेन बी पिलर आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में मिलता है। सी पिलर पे आपको ग्लास मिलता है। अगेन जो टी पिलर है उस पर भी आपको ग्लास ही मिलता है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में कुछ ऐसी डिज़ाइन मिलती है। चारों डोर ओपनिंग हैंडल्स पे आपको क्रोम फिनिश मिलता है कुछ ऐसा, और फ्रंट डोर्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं। ड्राइवर डोर पे आपको यहाँ पर की स्लॉट मिलता है जो हिडन है, और इस इलेक्ट्रिक की में कुछ यहाँ पर एक मेटल की है जिसकी हेल्प से आप अगर आपका इलेक्ट्रिक रिमोट काम ना करे तो उसकी हेल्प से आप डोर ओपन कर सकते हैं। अगेन रियर डोर हैंडल्स कुछ ऐसे हैं, नो रिक्वेस्ट सेंसर, बड़ा यहाँ पर आपको क्रोम देखने को मिलता है। रियर टायर प्रोफाइल सेम है, अलॉय व्हील्स साइज सेम है, लेकिन रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स एंड टॉर्शन बीम सस्पेंशंस मिलते हैं। जो डिज़ाइन है अलॉय व्हील्स की बहुत ही स्पोर्टी दिखती है, लाइक यहाँ पर सिल्वर फिनिश है और यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश मिलता है। अगेन जो पूरी क्लाइडिंग है ब्लैक मैट फिनिश में वो यहाँ से पूरी कार की बॉडी पे कंटिन्यू होती है। तभी बात करेंगे रियर की, तो गाड़ी का रियर कुछ ऐसा है। सबसे ऊपर से बात करें तो रियर टॉप पे आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना मिलता है, इनबिल्ट स्पॉइलर है विथ दी टेल लाइट, और यहाँ पर आपका जो है वो वाइपर वॉशर, रियर वाइपर, रियर ग्लास डिफॉगर, वोकल फॉर लोकल स्टिकर, टाटा बैजिंग। अगेन ये जो पूरा पार्ट है वो आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में मिलता है। यहाँ पर आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है, यहाँ पर बूट ओपनिंग बटन है कुछ ऐसे प्लेस्ड है, इसको जब हम प्रेस करेंगे हॉर्न बजेगा और जो बूट है वो ओपन हो जाएगी लाइक दिस। इसको हम यहाँ से भी होल्ड करके ऐसे पुश कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो इसमें आपको
425 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी मिलती है। बहुत ही बड़ा बूट है और इसमें आपको यहाँ पर JBL की म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पर इल्यूमिनेशन है, यहाँ पर हुक है, ये लाइक 2 kg हुक, इसको प्रेस करने से कुछ ऐसे ओपन होता है, इसको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इसको क्लोज करने के लिए नीचे से पुश करना है। 2 kg हुक इस साइड में है। अगेन यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलती है आपको, लाइक कंपार्टमेंट से 2 क्वेश्चन ट्राइंगल, आगे गिर गया। यहाँ पर आपके जो स्पेयर्स है वो आपको मिलते हैं, इसको बंद करते हैं। और ये इसकी पार्सल ट्रे है, हैंगिंग पार्सल ट्रे मिलती है, लाइक इसके हैंगर्स जो है उसको आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी आपको डिज़ाइन मिलती है जो हेड रेस्ट है उसको मैच करते हुए। और पीछे से जो गाड़ी का कंसोल है वो कुछ ऐसा दिखता है। बिल्कुल इसके सेंटर में आपको एक बड़ी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, उसकी भी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है बूट को क्लोज करने के लिए। तो रियर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेंटर में टाटा बैजिंग, नंबर प्लेट एरिया यहाँ पर है, हैरियर की बैजिंग है इन क्रोम। लाइट असेंबली की बात करें तो LED कम हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स लाइक दिस आई विल शो, ओके, LED टेल लाइट कुछ ऐसे लाइक ह्यूज है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगेन यहाँ पर आपकी रिवर्स लाइट है, सेम इस साइड में भी कुछ LED टेल लाइट ऐसी है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट। यहाँ पर आपके रियर फोग लाइट्स कुछ ऐसे है जो दूसरे वेरिएंट से हैरियर के, उसमें आपको यहाँ पर जो डमी स्पेस मिलती है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में यहाँ पर आपको फोग लाइट्स मिलते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स है, यहाँ पर फेक वेंट्स है। अगेन ये जो है वो ग्रे मैट या ग्रे ग्लॉसी फिनिश में आपको कुछ क्लैडिंग मिलती है। अगेन ये जो है वो ब्लैक मैट फिनिश में है। बम्पर जो है वो ड्यूल टोन है, बॉडी कलर एंड ब्लैक मैट फिनिश। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर है और जो स्पेयर व्हील है वो कुछ ऐसे एक्सटर्नली प्लेस्ड है रिम व्हील में। ओके सो अभी देखते हैं गाड़ी की रियर सीटिंग प्रोफाइल, लेकिन उसके पहले यहाँ पर फ्यूल लीड है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। दोनों तरफ आपको हैरियर की कुछ ऐसे क्रोम में बैजिंग देखने को मिलती है। और रियर सीटिंग एंड रियर डोर इंटीरियर, तो रियर डोर इंटीरियर कुछ ऐसा है ड्यूअल टोन। यहाँ पर ये जो पूरा है ब्राउन कलर में वो आपको लेदरेट फिनिश में मिलता है, ब्लैक मैट फिनिश, JBL ट्विटर्स, डोर ओपनिंग हैंडल्स, पावर विंडो बटन, ग्रैब हैंडल इन प्रॉपर लेदर फिनिश, ग्रे फिनिश, ग्लॉसी फिनिश कुछ ऐसी डिज़ाइन है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलती है, अगेन यहाँ पर ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर एंड डोर लाइट जो वेलकम लाइट भी होती है कुछ ऐसी है, चारों डोर्स पे आपको मिलती है। अगेन रियर सीट्स आपको 60:40 स्पीड में मिलते हैं लाइक दिस, कुछ ऐसे 60:40। ऑल 4 हेडरेस्ट आर एडजस्टेबल, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर्स, चाइल्ड सेफ्टी एंकर पॉइंट्स जो चाइल्ड सेफ्टी सीट्स लगाते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पर 2 है, उस साइड में 2 हैं। अगेन सेंटर रियर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यूअल USB चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल स्टोरेज स्पेस, ग्रे ग्लॉसी फिनिश में कुछ ऐसी डिज़ाइन मिलती है। अगेन जो रियर एसी वेंट्स है वो बी पिलर पे प्लेस्ड है, राइट साइड यहाँ पर है और लेफ्ट साइड उस पिलर पे है। अगेन ऊपर में पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, रीडिंग लाइट मिलती है कुछ ऐसे इस साइड में भी है लाइक दिस, इसको प्रेस करने से लाइट ऑन होती है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल विथ हुक मिलता है, इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पर आगे में इल्यूमिनेशन मिलता है जिसमें रीडिंग लाइट कम इल्यूमिनेशन भी है, वो भी दिखाऊंगा। तो अभी बात करेंगे ड्राइवर कंसोल एंड ड्राइवर डोर इंटीरियर एक्सटीरियर। तो ड्राइवर डोर एक्सटीरियर पे आपको डोर ओपनिंग हैंडल कुछ ऐसा मिलता है विथ रिक्वेस्ट सेंसर एंड यहाँ पर की लाइक का लोगो बना हुआ है। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर स्लॉट है, ये देखिए फोकस नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर एक स्लॉट है स्क्वायर जैसा, उसके अंदर आपको आपकी जो मेटल की है वो डालनी होगी और उससे ये वाला जो पैनल है इसका वो खुलेगा और इसके अंदर की स्लॉट बना हुआ है। तो ओपन करते हैं ड्राइवर डोर, और ड्राइवर डोर इंटीरियर कुछ ऐसा है। यहाँ पर डिफरेंस एक ही है चारों डोर में, सिर्फ आपको यहाँ पर ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल मिलते हैं। और फ्रंट दोनों डोर पर आपको एक्स्ट्रा जो स्पेस मिलती है वो है अम्ब्रेला होल्डर कुछ ऐसे यहाँ पर, अदरवाइज जो ट्विन बॉटल होल्डर, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर, ग्रैब हैंडल, ग्रे ग्लॉसी फिनिश डिज़ाइन सभी डोर्स पर आपको मिलती है, लेकिन सिर्फ अम्ब्रेला होल्डर और ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ORVMs के कंट्रोल, तो ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल कम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं जब भी आपको मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइक गाड़ी चलाते हुए, लेकिन मोस्टली इसको ओपन ही रखना है, कभी क्लोज नहीं करना है जब भी आप गाड़ी चलाते हो। तो गाड़ी जगह पर रख के आप लॉक करोगे ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे, लेकिन इसको आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हो लाइक दिस। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑन हो गया। इसको आप सिंपली ऐसे प्रेस करोगे तो ORVMs जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, अगेन प्रेस करोगे
अनफोल्ड हो जाएंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसके बाद मैं गाड़ी ऑन करके दिखाऊंगा। तो ड्राइवर डोर इंटीरियर प्रोफाइल कुछ ऐसी है, लेकिन यहाँ पर आपको वेलकम लाइट, डोर लाइट जो है वो है, और ड्राइवर सीट आपको 8-way एडजस्टेबल मिलती है, फुल इलेक्ट्रिक सीट है, सिर्फ इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती है। तो ये जो है वो सीट बैक एडजस्टमेंट कुछ ऐसे, ये देखिए रियर एंड बैक, यहाँ पर आपका जो है वो हाइट एडजस्टमेंट एंड फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट, फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट लाइक दिस। तो ये देखिए अभी रियर में आ रहा है सीट, और ये करने से फ्रंट में जा रहा है। इसको अगर नीचे प्रेस करेंगे हाइट नीचे आ जाएगी, ऊपर प्रेस करेंगे तो हाइट हो जाएगी। तो इसमें आपको एक्सीलेटर एंड सिर्फ ब्रेक मिलता है, क्योंकि एक ऑटोमेटिक कार है, और इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग व्हील विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट कुछ ऐसे। तो ये देखिए स्टेयरिंग जो है वो अंदर और बाहर भी होता है, एंड ऊपर और नीचे भी होता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग व्हील है। तो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को करते हैं ऑन। तो सबसे पहले मुझे सीट्स पीछे लेनी होंगी। तो की स्पेस आपकी जो है वो यहाँ पर होने वाली है, इसमें चार्जिंग पैड नहीं है, तो सिंगल की आप यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं, बहुत सारी स्पेस है। तो सबसे पहले इस साइड में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, तो मैं ब्रेक पैड प्रेस करता हूँ और इसको प्रेस कर देता हूँ। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा है, मैनुअल स्पीडोमीटर एंड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले विथ, बहुत सारे फीचर है। यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर से ड्राइव मोड्स है उसकी इंडिकेशन मिलती है, यहाँ पर आपको डिजिटल फ्यूल गेज मिलती है, रिफ्यूल की वार्निंग आती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज टाइम, टेम्परेचर, ट्रिप हीट, ट्रिप हीट सब कुछ दिखाता है। यहाँ पर आपकी जो टेम्परेचर गेज है वो डिजिटल कुछ यहाँ पर है, और इसके लिए यहाँ पर आपको बटन दिए गए हैं, इस बटन से आप मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले एक्सेस कर सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील आपको पूरा राउंड शेप में मिलता है विद टाटा बैजिंग, एयरबैग इंस्टॉल्ड, हॉर्न, MID कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स की कंट्रोल यहाँ पर है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, GPS नेविगेशन, इवन एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। यहाँ पर आपको सिल्वर ग्लॉसी फिनिश मिलती है कुछ ऐसी, और पूरा जो स्टेयरिंग व्हील है वो लेदर फिनिश में मिलता है। जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आपको कुछ ऐसी वुडन फिनिश मिलता है, पूरे सेंटर प्रोफाइल में जो सेंटर पार्ट है वो पूरा वुडन कलर में फिनिश मिलता है। जो ऊपर का जो पार्ट है वो लेदर फिनिश है, जो डैशबोर्ड का ये वाला पार्ट है वो अगेन यहाँ पर आपको जो है वो ब्लैक मैट फिनिश मिलता है। यहाँ पर जो है वो सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में कुछ जो डिज़ाइन है वो ऐसे कंटिन्यू हुई है। इस साइड में ड्राइवर साइड एसी वेंट, ये जो है वो डिफॉग है फॉर दिस ग्लास। यहाँ पर JBL की ट्विटर्स है, यहाँ पर एयरबैग इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर भी एयरबैग इंस्टॉल्ड है अगेन में लाइक दिस, यहाँ पर है ओके ऊपर में जो इस साइड को कवर करता है, ये जो है वो इस पार्ट को कवर करेगा, और ये जो है वो आपका जो फ्रंट इम्पैक्ट है उसको आपको मतलब उससे आपको सेफ रखेगा। तो वैसा ही यहाँ पर एक एयरबैग है, अगेन ऊपर में एयरबैग है एंड यहाँ पर एयरबैग है ओके। तो इस साइड में तीन है, इस साइड में तीन है। गाड़ी के सेंटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर एक बड़ी सी इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलती है विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, GPS नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड भी इसमें आपको मिलता है। अगेन इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, उसका आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन, टेम्परेचर, स्पीड सब कुछ इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर जो बटन है ना वो इन्फोटेनमेंट सिस्टम्स के लिए है, लाइक होम बटन, और ये जो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अगेन मोबाइल कनेक्टिविटी एंड बैक ओके, वॉल्यूम एंड ऑन ऑफ जो नॉब्स है, लाइक यहाँ से वॉल्यूम एंड इसको आप ऑफ या ऑन लाइक दिस म्यूट कर सकते हैं, यहाँ से पावर इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर एसी वेंट, हैजर्ड लाइट बटन, रियर एंड फ्रंट फॉग लैम्प ऑन ऑफ बटन, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। तो इसको मैं मोस्टली आपको ऑन करके दिखाऊंगा अभी, लाइक कैसे लाइक आपको इंडिकेशंस मिलेंगे लाइक दिस, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड ओके। इसमें बाय डिफॉल्ट जो मोड है वो सिटी मोड है, अभी मैं कर देता हूँ स्पोर्ट्स मोड ऑन, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो ये जो दोनों मोड है वो स्पोर्ट्स लाइक ड्राइव मोड्स है, तो इसमें आपको ऑफ रोड मोड्स भी मिलते हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट सिटी मोड पे चली जाएगी लाइक दिस, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड ओके। तो उसके बाद मैं अभी दिखाऊंगा आपके जो ऑफ रोड मोड्स है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पर जब ऑटो लिखा होता है तो आपका जो लाइक क्लाइमेट कंट्रोल है उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकती हो, एक सिंपल लाइक फैक्ट है, लाइक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। नीचे यहाँ पर आपके जो नॉब है उसमें आपको मिलता है सिटी मोड एंड वेट मोड एंड रफ रोड मोड, इसको मैं वेट मोड पे कर देता हूँ, वेट मोड एक्टिवेटेड, अगेन रफ रोड मोड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, वेट मोड एक्टिवेटेड, नाउ रफ रोड मोड एक्टिवेटेड ओके। तो ए नॉब है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ए वाला बटन है, एंड यहाँ पर है इलेक्ट्रिक हिल्ट होल्ड कंट्रोल, जो दोनों साइड में जो दो बटन है। ए है 6-speed ऑटोमेटिक गियर लीवर विद पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड मैनुअल, जैसे आप इसको ड्राइव पे लेके आओगे और
इधर शिफ्ट करोगे ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये सीधा स्पोर्ट्स मोड पे चली जाएगी। ये वाला जो है वो ड्राइव मोड है। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ओके एंड अभी मैं इसको फिर से पार्किंग पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्पोर्टी हैंडब्रेक भी देखने को मिलता है लाइक दिस। लाइक इसको मैं अभी अनलॉक कर देता हूँ। ये अनलॉक है, इसको आप एंगेज करने के लिए सिंपली इसको पकड़ के पुल करने का, एंगेज हो गया। यहाँ पर आपको ट्विन कप होल्डर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको लेदर फिनिश में आमरेस मिलता है। इसको ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 12 चार्जिंग सॉकेट मिलता है, कूल फीचर मिलता है एंड ट्विन यूएसबी चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप लाइक आराम से दो फोन प्लेस कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको एक ग्लो बॉक्स मिलता है कुछ ऐसे विथ इल्यूमिनेशन एंड कूल फीचर। इसमें आपको एक ट्रे भी मिलती है जो रिम्यूवेबल है। लाइक इसका यूज सभी को पता है, जब भी आप मतलब कुछ भी खाना चाहते हैं या उसको आप अपने थाइस पे रख के इसमें रख के खा सकते हैं। काम होने के बाद अगेन आप उसको अंदर ऐसे प्लेस कर देना कुछ ऐसे। ओके ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। तो ऊपर की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको सनवाइजर विद दी वैनिटी मिरर एंड इल्यूमिनेशन, ऑटोमेटिक इल्यूमिनेशन है जो हम जैसे इसका शटर क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सेंटर में यहाँ पर आपको सनरूफ की कंट्रोल्स मिलते हैं, अगेन जो सन ब्लाइंड है उसके भी यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर है इल्यूमिनेशन विथ दी रीडिंग लाइट, बोथ साइड जो है रीडिंग लाइट है जैसे आपको पीछे मिलती है। यहाँ पर है माइक, यहाँ पर ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, जैसे ग्रीन लाइट ऑन होती है ऑटो डिमिंग मोड ऑन हो जाता है। अगेन यहाँ पर ड्राइवर के लिए सन वाइजर मिलता है, नो टिकट होल्डर। यहाँ पर को ड्राइवर के लिए सेफ्टी ग्रैब हैंडल मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको रियर पैसेंजर की सेफ्टी ग्रैब हैंडल एंड जो रीडिंग लाइट है वो मिलती है। तो जो आपका सनरूफ है वो फुल्ली इलेक्ट्रिक है, जो सनब्लाइंड वो भी फुल्ली इलेक्ट्रिक है लाइक दिस। तो इसको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको लाइक दिस। ये देखिए इसको मैंने प्रेस कर दिया, जो सनब्लाइंड है वो जो ऑटोमेटिकली शट कर रहा है, क्लोज कर रहा है। इसको आपको प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है, वन टच क्लोज वन टच ओपन है। तो लाइक दिस अभी मुझे सनरूफ ओपन करना है तो सिंपली मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा, सनब्लाइंड ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो आपका सनरूफ है वो भी यहाँ तक ओपन होगा। ओके ये देखिए ये ओपन हो गया। अब इसको क्लोज करने के लिए मुझे लाइक सनब्लाइंड का बटन प्रेस करने से क्लोज नहीं होगा, पहले मुझे इसका जो सनरूफ है उसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा इस वाले बटन से। उसके बाद ओके उसके बाद इस वाले बटन को प्रेस करके जो सनब्लाइंड है वो क्लोज होगा लाइक दिस। तो सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विथ ईबीडी, 6 एयरबैग्स मिलते हैं जो बहुत नेसेसरी है, 4 सेफ्टी लॉक्स मिलते हैं, 4 सेफ्टी एक पॉइंट्स मिलते हैं और ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स मिलती है और जो लाइट्स की कंट्रोल है यहाँ पर है और ये है हेडलाइट लेवलर। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है देख सकते हैं। अगेन गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही स्पोर्टी है और गाड़ी में पावर बहुत ज़्यादा है, 168 bhp एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि इस गाड़ी में लाइक इसके पहले मैंने हैरियर में रिव्यू बनाया लेकिन जो ओवल एरियाज थे ना उसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, लेकिन इसमें आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी है लाइक दिस। ये देखिए स्टीयरिंग जो है वो अंदर बाहर होता है लाइक ये मैंने मतलब पहली हैरियर चलाई है जिसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर व्लॉग ये आपको पसंद आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।